हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही थी टोकरी लेकर बगीचे में कुछ सब्जियां तोड़ने। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई थी, नेनुआ और मकई और भिंडी। तो मैं अभी भिंडी तोड़ रही थी, पर ये मुझसे टूट ही नहीं रहा था। फिर मैंने चाकू भी लाया था साथ में, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं इसको नोच के तोड़ूँगी तो डाली भी टूट सकता है, पौधा भी टूट सकता है। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि चाकू से ही काट लो। लेकिन भिंडी मैंने नहा धो लिया था, इसके बाद मैं बगान आई थी। तो भिंडी जब भी तोड़ते हैं तो फिर वो पूरा हाथ में चुभता है, उसके छोटे छोटे उसमें जो रेशे जैसे होते हैं वो चुभते हैं, उसके पत्तों में भी होता है। तो मैं पूरा अंदर बगान में नहीं घुसी, मैंने ऐसे ही बाहर बाहर में देख लिया कि अगर साइड्स में है तो मैं उसी को तोड़ लूँगी, पर मुझे साइड में नहीं मिला। मुझे और भिंडी तोड़ने के लिए बगान के अंदर घुसना पड़ता, और इसलिए मैं चली गई दूसरे वाले बगान में। और वहाँ पे मैंने मिर्च तोड़ा जो कि पक्के लाल लाल हो चुके थे बहुत सारे। तो फिर मिर्च तोड़ा मैंने, और इसको भी तोड़ते हुए मुझे बोरिंग लगने लगा, क्योंकि कितना तोड़ेंगे। और फिर हाथ भी थोड़ा जलने लगा था, क्योंकि मिर्च छूते हैं तो फिर हाथ में थोड़ी सी जलन होती है, और उसकी वजह से। तो मैंने थोड़ा सा मिर्च तोड़ा और बहुत सारा पौधों में लगा हुआ छोड़ ही दिया, बाद में मम्मी कभी तोड़ लेगी। कितना अच्छा लगता है ना, जब भी आपको ज़रूरत हो कि सब्जी खाना है बनाना है तो तुरंत जाओ बगीचे में, ताज़ी सब्जियां तोड़ो और बस उसको धोओ और काटो बनाओ, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बट सबके पास इस तरह से बगान नहीं होता, और अगर किसी के पास इतना स्पेस भी होता है तो फिर उसको करने में मेहनत लगती है, उसकी उसको पौधों को लगाना, फिर उनमें पानी डालना, ये सारे काम मेरे पापा लोग करते हैं। पापा मम्मी खाली टाइम में यही करते हैं, और जब ज़्यादा सब्जी लगाना रहता है तो कुछ हेल्पर भी बुला लेते हैं, लेबर्स लगवा लेते हैं। और इस वक्त तो मम्मी पापा के बगान में बहुत सारी सब्जियां थी। पापा तो अपना सारा टाइम बगान में ही लगाते हैं, बस अच्छे से पौधों का ध्यान रखना, घास वास हट चुन के निकालना, फिर और हम लोग जब कभी कभी आते हैं मम्मी पापा के यहाँ तो बस जो मर्जी वो सब्जियां तोड़ो और बस ले जाओ। मैं तो कभी कभी मंगवा भी लेती हूँ कि अगर सब्जी हुआ है तो तोड़ के मेरे घर भिजवा दीजिए पापा, फ़ोन पे मैं बोल देती हूँ, तो कभी कभी पापा ला भी देते हैं। पर मेरी दीदी का घर तो बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँचता है, मेरा घर सामने है, मेरा ससुराल सामने है। तो मैं अपने पापा को बोल कर कभी कभी सब्जियाँ मंगवा लेती हूँ अगर मुझे खाने का मन रहता है तो। वैसे बहुत सारी सब्जियाँ, मतलब कुछ कुछ ही सब्जियाँ लगाते हैं पापा लोग, जो सीजनल सब्जियाँ होती है वही यहाँ। और वैसे तो मैं बाज़ार से ही सब्जियाँ मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बस पटल, भिंडी और गोभी यही सब खाते हैं, और दूसरी सब्जियाँ उनको अच्छी नहीं लगती। तो पापा मम्मी ने तीन तरफ बगान किया हुआ है, तो ये दूसरे वाले बगान पे मुझे मिल गई थी मिर्चें, फिर मैं तीसरे वाले बगान में गई थी। मतलब तीन एरिया ऐसा खाली पड़ा हुआ है मम्मी पापा के यहाँ, तो जो तीसरा एरिया था वहाँ पे बहुत सारे मकई थे और ये नेनुआ था, तो इनको फिर मैं तोड़ ले रही थी। मैं और भी नेनुआ मुझे ऊपर ऊपर लटका हुआ दिख रहा था, पर मैं उसको तोड़ नहीं पाई, और क्योंकि मैंने नहा लिया था तो मुझे इतना घुसने का मन नहीं किया इन पौधों के बीच में, नहीं तो फिर वो बाद में शरीर में बहुत ये होते हैं खुजली जैसी होती है, उन जो पौधों में छोटे छोटे रेशे जैसे बने होते हैं ना वो बाद में चुभते हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैंने खोजा बहुत सारा, छुपा छुपा मुझे मिला नेनुआ एकदम ताज़ा।
मार्केट से जब भी हम सब्जियां लाते हैं तो फिर एक दो दिन फ्रिज में रखते हैं तो वो टेस्ट नहीं लगता सब्जियों में। फिर मैंने सारी सब्जियां तोड़कर यहाँ पे मम्मी को दे दिया और मैंने बोला कि मुझसे इतना ही टूटा। बस ये वाला वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।